पद एनी अंदर थी जैसे। तो अँ लास्ट स्टेप आप मूकीए छे कि बीटा एम प्लस एन माइनस टू अने एननी जगह आप मूकी छे टू। तो आ फॉर्म आपने मळशे फरीथी एननी जगह तमे मूकी दो टू मूकीश एटले ऊपर रहेशे वन अने एमनी जगह मूकीशू एम प्लस एन माइनस टू। तो अहीं तमारू बीटानू फॉर्म थशे बीटा एम प्लस एन माइनस वन अने अहीं तमारू थई जशे टू मूकीशू एटले वन। आ तमारू आखू फॉर्म मळ्यू। हवे आ बधीज किंमतों जे आपणे ऊपर समीकरणमां मेळवी आ बधीज किंमतों समीकरण एमां मूकवानी छे, कारण के आपणे किंमत कोनी शोधवानी छे बीटा एम प्लस वन अने एन माइनस वननी। तो तमे किंमत मूको पहली बीटा एम प्लस वन अने एन माइनस वननी किंमत एन माइनस टू एम प्लस वन बीटा एम प्लस टू एन माइनस वन सुधी लीश। तो आपणे मूकता जाइए समीकरण एनी अंदर, अहीं आपणने देखाय समीकरण ए, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन एम। पछी एना पछीनू जे समीकरण छे एमां एम प्लस वन एन माइनस वननी वेल्यू शोधी लीश। तो एनी अंदर तमे जोई शको छो कि एनी वेल्यू आपणने मळशे एन माइनस टू अपॉन एम प्लस वन अने बीटा एम प्लस टू एन माइनस वन। तो बीटा एम प्लस टू एन माइनस टूनी वेल्यू पाछा एना पछीना समीकरणमां शोधी लीश। तो ए वेल्यू आपणे मूकीशू तो अहीं थशे इन टू एन माइनस थ्री अपॉन अहीं थई जशे एम प्लस थ्री। पाछी फरीथी तमे अहीं वेल्यू एम प्लस फोर अने एन माइनस फोरनी वेल्यू शोधेली छे। तो एम करता करता तमे छेक आगर आवशो तो अहीं एन माइनस फोर एम प्लस थ्री अने छेल्लो स्टेप मळशे आपणने वन अपॉन एम प्लस एन माइनस टू बीटा एम प्लस एन माइनस वन अने वन। आ स्टेप मळ्यु। હવે આપણે આગળ એક વખત ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું હતું અને આટલું ફરીથી પાછું આપણે બીજી વખત આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ તો ખાલી એકનું જ ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું બાકી રહ્યું બીટા એમ પ્લસ એન માઇનસ વન અને વન। તો આ માટે બીટાની ડેફિનેશન જાણીએ છીએ કે બીટા એમ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે ઝીરો ટુ વન એક્સ રેઝ ટુ એન માઇનસ વન વન માઇનસ એક્સ રેઝ ટુ એમ માઇનસ વન ડીએક્સ। તો હવે આપણે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે એમ પ્લસ એન માઇનસ વન અને વનની। તો એમની જગ્યાએ મૂકવું પડશે એમ પ્લસ એન માઇનસ વન અને એનની જગ્યાએ મૂકવા પડશે વન। તો તમે મૂકી શકો છો કે અહીંયા તમારી જોડે થશે બીટા એમ પ્લસ એન માઇનસ વન અને વન। તો અહીંયા મૂકાશે ઝીરો ટુ વન એમની જગ્યાએ મૂકીશું એટલે આ થઈ જશે એમ પ્લસ એન માઇનસ ટુ, બરાબર અહીંયા માઇનસ વન છે અને આ માઇનસ વન એટલે માઇનસ ટુ અને અહીંયા થશે વન માઇનસ એક્સ એનની જગ્યાએ મૂકી દઈએ છીએ વન। તો વન માઇનસ વન ડીએક્સ ફરીથી વન માઇનસ વન ઝીરો કોઈપણની ઝીરો ઘાત વન એટલે હવે આપણે ખાલી ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું થશે ઝીરો ટુ વન એક્સ રેઝ ટુ એમ પ્લસ એન માઇનસ ટુ ડીએક્સનું। હવે એક્સનો પાવર એટલે ઇન્ટિગ્રેશન સિમ્પલ એક પાવર વધારો અપન અને વન અપનના મૂકવો તો અહીંયા થઈ જશે એક્સ રેઝ ટુ એમ પ્લસ એન માઇનસ વન અપન એમ પ્લસ એન માઇનસ વન અને લિમિટ એની મૂકવાની થશે ઝીરો ટુ વન। ફરીથી એક્સની જગ્યાએ વન મૂકીશું એટલે આપણને મળશે વન અપોન એમ પ્લસ એન માઇનસ વન અને જ્યારે ઝીરો મૂકીશું એટલે થઈ જશે ઝીરો। તો હવે આપણે જે બીટાનું ફોર્મ અહીંયા મેળવેલું હતું કે બીટા એમ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન માઇનસ વન અપોન એમ એન માઇનસ ટુ અપોન એમ પ્લસ વન, તો એમાં ખાલી એક જ વેલ્યુ શોધવાની બાકી હતી બીટા એમ પ્લસ વન અને એન પ્લસ વન માઇનસ વન। તો એ વેલ્યુ આપણે અહીંયાથી શોધી લીધી, આ જે રાઉન્ડ કર્યું એની વેલ્યુ આપણે શોધી લીધી। તો એ વેલ્યુ તમે અહીંયા મૂકી દો તો આના બરાબર થઈ જશે એન માઇનસ વન અપોન એમ એન માઇનસ ટુ અપોન એમ પ્લસ વન એન માઇનસ થ્રી અપોન એમ પ્લસ થ્રી એન માઇનસ ફોર અપોન એમ પ્લસ થ્રી અહીંયા થઈ જશે વન અપોન એન પ્લસ એન માઇનસ ટુ અને આ વેલ્યુ આપણે અહીંયા શોધી કાઢી લઈશ તો અહીંયા મૂકીશું વન અપોન
एम प्लस एन माइनस वन। तो हवे आ वेल्यू पर थी तमने देखाइश के ऊपर आपने आखू एक फॉर्म मळ्युं छे आ रीते ऊपर अहीं एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर अप टू वन सुधी जाइए छे। तो आपने खबर है कि जो नौ नाइन फेक्टोरियल एवं कहीं लखवू हो तो शू करे नाइन एम एक ओछो करे गुण्या आठ गुण्या सात आ रीते करता करता वन सुधी पहुँचीए छे। तो एज फॉर्म आपने अँ मूँ एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर अप टू वन सुधी। तो नाइन फेक्टोरियल जगह आप अँ एन माइनस वन फेक्टोरियल एवं लखी शकी बराबर अने नीचेनु फॉर्म अपने जोड़े आव एम इंटू एम प्लस वन इंटू एम प्लस थ्री इंटू एम प्लस फोर अने एम करता करता आपणी जोड़े लास्ट टर्म छे एम प्लस एन माइनस टू अने एम प्लस एन माइनस वन। तो अहीं तमे जोई शको छो कि आ टर्म जे छे जो आम आवे छे एटले इन्क्रीज थाय छे पण आम जाइए तो आ डिक्रीज थाय छे पण डिक्रीज थईने एम अटकी जाए। आपणे तो लास्ट टर्म वन जोईए तो आपणे आने फेक्टोरियलना फॉर्ममां कन्वर्ट करीए तो आ एममांथी पाछा ओछा करवा पड़शे। तो क्यां सुधी ओछू करवू पड़शे एममांथी छेक एम माइनस वन सुधी पहुँचे त्या सुधी ओछू करवू पड़शे। तो ये आपणे आखी जेटला टर्म थी करीए छे ओछा ए टर्म जे छे ए टोटल एम माइनस वन फेक्टोरियल छे। तो अहीं हूँ एम माइनस वन फेक्टोरियल थी आ डिवाइड करी आखी टर्मने पण आपणे टर्म तो हती एना एज राखवी पड़शे तो एने एम माइनस वन फेक्टोरियल थी मल्टिपल पण करवा पड़शे। तो ऊपर आपणने मळशे एन माइनस वन फेक्टोरियल अने एम माइनस वन फेक्टोरियल अपॉन नीचे एटले के डिनोमिनेटर में थशे एम प्लस एन माइनस वन फेक्टोरियल। तो आपणुं जे फॉर्म हतुं के बीटा एम एन बराबर केटला थाय तो अहीं आपणे आखी वेल्यू आपणे इवेल्युएट करी के एना बराबर थी जाए एम माइनस वन फेक्टोरियल एन माइनस वन फेक्टोरियल अपॉन एन प्लस एन माइनस वन फेक्टोरियल। हवे तमने एवुं कहे के भाई बीटा थ्री फोर आनी वेल्यू फाइंड करो तो तमे करी शको कारण के अहीं एम बराबर त्रण छे अने एन बराबर चार छे। तो एम माइनस वन बराबर आपणे थ्री माइनस वन एट्ले के टू फेक्टोरियल एन माइनस वन एट्ले के चार ओछा एट्ले के आ थई जाए थ्री फेक्टोरियल अने अहीं एम प्लस एन माइनस वन एट्ले केटला थशे त्रण त्रण छ एटले सात सातमांथी एक जाए एट्ले सिक्स फेक्टोरियल। हवे आनुं जे સાદું રૂપ આપો અને જે જવાબ થાય એ બીટા થ્રી ફોરનો આન્સર થશે। હવે આપણે થોડાક કારણ કે બીટાનું ફોર્મ આપણી જોડે આવું છે બીટા એમ એન ડેફિનેશન જે છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો ટુ વન એક્સ રેઝ ટુ એમ માઇનસ વન અને વન માઇનસ એક્સ રેઝ ટુ એન માઇનસ વન ડીએક્સ। હવે આપણે જાણીએ છીએ કે આ એક્સના જુદી જુદી કિંમતો મૂકીએ છીએ જેમ જેમ એક્સની કિંમતો જુદી મૂકીએ એમ બીટાના જુદા જુદા સ્વરૂપો મળશે। તો આના ઉપરથી તમે જોઈ શકો છો સ્લાઇડમાં કે બીટાની એક્સની વેલ્યુ મૂકવાથી એના જુદા જે સ્વરૂપ થાય છે એને આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ બીટા ફંક્શન કહીશું અથવા તો અનધર ફોર્મ્સ ઓફ ધ બીટા ફંક્શન કહીશું। તો એમાંથી કેટલાક ફોર્મ્સ મેં અહીંયા મૂકેલા છે તો એ આપણે સાબિત કરીએ। તો પહેલું ફોર્મ્સ જે લખેલું છે એ તમે જોઈ શકો છો કે બીટાની વેલ્યુ મેં આવી રાખી છે કે બીટા એમ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારે અંદર ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી લખેલું ઝીરો ટુ ઇન્ફિનિટી એક્સ રેઝ ટુ એમ માઇનસ વન અપોન વન પ્લસ એક્સ રેઝ ટુ એમ પ્લસ એન ડીએક્સ। તો આપણે પ્રૂવ કરીએ કે આના બરાબર આટલું મળે છે એક્સ રેઝ ટુ એમ માઇનસ વન વન પ્લસ એક્સ રેઝ ટુ એમ પ્લસ વન ડીએક્સ। તો અહીંયા આપણને બીટાની ડેફિનેશન પ્રમાણે બીટા એમ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણી જોડે છે ઝીરો ટુ વન એક્સ રેઝ ટુ એમ માઇનસ વન વન માઇનસ એક્સ રેઝ ટુ એન માઇનસ વન ડીએક્સ। આ આપણું બીટાનું ફંક્શનનું ફંક્શનથી જાણીએ છીએ। હવે આપણે આગળ પ્રૂવ કર્યું કે બીટા એમ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા એન એમ પણ લખી શકીએ કારણ કે ઇટ ઇઝ અ સિમેટ્રિક ફંક્શન। તો આને આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ છીએ કે ઝીરો ટુ ઇન્ફિનિટી એક્સ રેઝ ટુ એન માઇનસ વન વન પ્લસ એક્સ રેઝ ટુ એમ પ્લસ એન ડીએક્સ કારણ કે આપણે આના બરાબર બીટા
एन एम आम पण लखी शकीए छीए, एम एन लखो एटले आ बने साचा छे। तो आ वस्तु प्रूव करवा माटे आपणे बीटानुं जे मेन फंक्शन छे एमां एक्स बराबर हूँ लई लउं छूं वन अपॉन वन प्लस वाय। हवे इंटीग्रेशन छे तो ज्यारे एनो वेरिएबल चेंज करीए छीए तो अहीं एनी वेल्यू डीएक्स एट्ले कि डीएक्स ने पण चेन्ज करवो पड़शे। तो आनु डेरिवेशन डीएक्स इज इक्वल टू अहीं थई जशे तमारे वन अपॉन वन प्लस वाय स्क्वेर अने माइनस डी वाय, राइट। तो अहीं वन प्लस वाय स्क्वेर आ आपणुं डीएक्स मळ्युं, अहीं एक्सनुं फॉर्म मेळव्यूं, वन माइनस एक्सनुं पण अहीं जोड़े जोड़े मेळवी लईए। तो वन माइनस एक्स इज इक्वल टू थशे वन माइनस वन प्लस वाय। तो आना बराबर थी जैसे आपने वन वाय अपॉन वन प्लस वाय। तमे जोई शको छो के आनु एलसीएम लईए एटले आपने आ फॉर्म मळे छे। हवे एक्सनो वेरिएबल चेन्ज कर्यो तो एनी लिमिट पण चेन्ज करवी पड़शे। तो अहीं ज्या एक्सनी वेल्यू आपने जीरो आपेली छे, तो ज्यारे एक्स इज इक्वल टू जीरो मूकीए छे तो ए वखते वायनी वेल्यू केटली थशे? जो एक्सनी वेल्यू अहीं जीरो मूको तो वायनी वेल्यू थशे इन्फिनेटिव, कारण के एक्स अहीं आवशे वाय अहीं लईए एटले वन अपॉन जीरो देट इज वाय इज इक्वल टू थई जशे इन्फिनेटिव। अने ज्यारे एक्सनी वेल्यू तमे वन मूको छो एक्स इज इक्वल टू वन तो अहीं आ जे फॉर्ममां एक्स इज इक्वल टू वन लावा छे तो अहीं वाय छे अहीं वन लावीशुं तो वन कैंसल एटले वायनी वेल्यू तमारी थई जशे जीरो मूकीए तो ज वन इज इक्वल टू वन थाय। तो हवे आपणो बीटानो फॉर्म आवो मळ्युं के बीटा एम एन इज इक्वल वायना फॉर्म आखू लखी दी। तो जीरो लिमिट ज्या छे ते आपणने ज्यारे जीरो लिमिट छे तो ए वखते आपणने मळे छे इन्फिनिटिव, तो अहीं लखीशुं इन्फिनिटिव। अने ज्यां वन लिमिट छे त्यां आपणने मळे छे जीरो, तो वननी जग्याए आવશે जीरो। एक्सनी जग्याए आपणे वेल्यू મૂકવાની છે वन वन प्लस वाय रेज टू एम माइनस वन, अने वन माइनस एक्सनुं फॉर्म आपणे जोड़े लखेलुं छे वाय वन प्लस वाय। तो अहीं थशे वाय वन अपॉन वन प्लस वाय रेज टू एन माइनस वन। अने डीएक्सनी वेल्यू पण आपणे आ फाइन करेली छे तो डीएक्स बराबर थई जशे माइनस डीवाय वन प्लस वाय स्क्वेर होल स्क्वेर। हवे इंटीग्रेशनो एक फॉर्म आपणे जाणीए छीए के आ रीते ज्यारे जीरो एले कि कोईपण ए टू बी एफ एक्स डीएक्स तमने आपेलू होय, हवे तमारे आ लिमिट चेन्ज करवी छे तो लिमिट एले कि ए टू बी एनी जगह बी टू ए करवा तो फंक्शन तमारू थई जशे माइनस, एले कि एनी वेल्यू माइनस थशे। तो आ बी टू ए एफ एक्स डीएक्स ए रीते लखाशे। तो आपणी जोड़े पण अहींया माइनस निशानी छे तो आ इन्फिनिटिव टू जीरो लख्युं छे एनी जगह हूँ बीटाना फॉर्मने आ रीते लखी शकीश के बीटा एम एन इज इक्वल टू तमारू लिमिट थशे जीरो टू इन्फिनिटिव, कारण के माइनस साइन आपणी जोड़े छे। अने अहीं थई जशे वन अपन वाय, हवे टोटल वायनो पावर जोड़े जोड़े ए पण काम करिए एटले वायनी टोटल पावर छे एन माइनस वन, तो अहीं थई जशे एन माइनस वन। अने नीचे टोटल बधा वन प्लस वायना पावर भेगा करिए तो वन प्लस वाय रेज टू एम माइनस वन प्लस एन माइनस वन प्लस टू। तो अहीं आपणने फॉर्म मळ्युं जीरो टू इन्फिनिटिव अने डीवाय जीरो टू इन्फिनिटिव वाय रेज टू एन माइनस वन वन प्लस वाय रेज टू एम प्लस एन अने माइनस वन माइनस वन एट्ले कि माइनस टू प्लस टू एट्ले निकली जशे अने डीवाय, राइट। तो हवे ए पण जाणीए छीए कि संकलन में अहीं कोईपण चेन्ज कर्या पर अहीं वायनी जगह तमे एक्स लखो तो ए संकलन में कोई फेर पड़वानो नथी। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू आपणे वायनी जगह ज खाली एक्स मूकी दईए छीए, बीजो कोई वधारानुं मूकता नथी एले वाय रेज टू एन माइनस वन वन प्लस एक्स रेज टू एम प्लस एन डी एक्स। तो आपणो आ जे फॉर्म साबित कर्युं, हमें तमने स्टार्टिंग में कह्युं तुं
के आपणे अहींया 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू एम माइनस वन वन प्लस एक्स रेज टू एम प्लस वन डीएक्स एम पण लखी शकीए छीए अने 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू एन माइनस वन अने वन प्लस एक्स रेज टू एम प्लस एन लखी शकीए कारण बीटा इज अ सीमेट्रिक फंक्शन। सीमेट्रिक फंक्शनना हिसाबे एटले आ पण वस्तु साची छे અને આપણું 0 ટુ ઇન્ફિનિટી અહીંયા એમ એનની જગ્યાએ એન એમ લખીશું તો અહીંયા થઈ જશે એમ માઇનસ વન અને અહીંયા થઈ જશે વન પ્લસ એક્સ રેઝ ટુ એમ પ્લસ એન ડીએક્સ તો બંને વસ્તુ આપણું સાચું છે। હવે આપણે બીજી ફોર્મ્યુલા પ્રૂવ કરીએ। તમે સ્લાઇડમાં જોઈ શકો છો કે જે બીજું પ્રૂવ કરવાનું કીધેલું છે એ 0 ટુ વન એક્સ રેઝ ટુ એમ માઇનસ વન એક્સ प्लस एक्स रेज टू एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू एम प्लस एन डीएक्स। तो अहीं आ प्रूव करवा माटे फरीथी आपणे आगळना रिजल्टनो ज उपयोग करिए तो अहीं तमे जोई शको छो कि आगळनो रिजल्ट जे प्रूव करेलू छे एमां बीटानी वेल्यू आपणे बीटा एम एन इज इक्वल टू आपणे लखेला छे अहीं 0 टू इन्फिनिटी आगळना रिजल्टमां 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू एम माइनस वन वन प्लस एक्स रेज टू एम प्लस एन डीएक्स। तो अहीं आज ये फॉर्म जे छे एमा आपरे आ लिमिट इन्फिनिटिव नी जगह वन राखवू छे अने अहीं टू टाइम्स आनु एडिशन आवे छे एटले के एक्स रेज टू एम माइनस वन अने प्लस करीने एक्स रेज टू एन माइनस वन वालू फॉर्म आवे छे। तो हवे संकलनों एक नियम आपणे जाणीए छीए के लिमिट तमारी ए टू बी आपेली होय तो एने बे पार्ट में डिवाइड करी शकीए छीए ए टू सी अने यूनियन सी टू बी। तो आ वखते आ रूल्स एप्लाय करिए तो हूँ जरूर छे आपणे 0 थी 1 ने तो हूँ 0 थी इन्फिनिटिव जी लिमिट लीधेली छे 0 थी इन्फिनिटिव ने हूँ बे पार्ट में डिवाइड करूँ छूँ 0 टू 1 अने वन टू इन्फिनिटी। तो अहीं आज 0 थी 1 फंक्शन एना एज एक्स रेज टू एम माइनस वन वन प्लस एक्स रेज टू एम प्लस एन डीएक्स अने बीजो पोर्शन वन टू इन्फिनिटी तो वन टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू एम माइनस वन अने वन प्लस एक्स रेज टू एम प्लस एन डीएक्स। હવે આપણે જે પ્રૂવ કરવાનું છે એમાં આટલા પોર્શન તો આવી જ જાય છે આટલો ખાલી ફેરફાર અહીંયા કરવાનો છે।